नमस्कार दर्शकों, वक्त हो गया है आज की 15 बड़ी और सुपर फास्ट खबरों का। तो आइए जान लेते हैं आज की 15 बड़ी और सुपर फास्ट खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम। पीएम मोदी को श्री कल्की धाम के शिलान्यास के लिए प्रमोद कृष्णम ने दिया निमंत्रण। इसके बाद राजनीति के गलियारों में सियासी चर्चाएं भी हो गई है तेज। संसद में बजट सत्र के दौरान आज झारखंड में राजनीतिक संकट के विरोध में विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने लोकसभा से किया वॉकआउट। बता दें कि सदस्यों ने आज सदन से बाहर जाने से पहले नारेबाजी भी की। कांग्रेस सांसद डीके सुरेश ने संसद में कर दी एक अलग देश की मांग। भाजपा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। भाजपा ने कांग्रेस सांसद के इस बयान को देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर हमला करार देते हुए कांग्रेस से स्पष्टीकरण देने और माफी मांगने की बात कही। पूर्व आईएएस हर्ष मंदर के घर और ऑफिस में सीबीआई ने की छापेमारी। एफसीआरएफ उल्लंघन मामले में सीबीआई के द्वारा की गई है कार्रवाई। बता दें कि हर्ष मंदर लेखक भी हैं, जिनकी एक संस्था को विदेशी फंड मिलने का आरोप लगा है। ज्ञानवापी मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के वकील फरमान नकवी ने रखा अपना पक्ष। इसके बाद हिंदू पक्ष की ओर से रखी गई दलीलें। बता दें कि अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी और तब तक ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में पूजा पर कोर्ट ने नहीं लगाई है कोई रोक। जेएमएम के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन ने ली झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ। उनके साथ ही कांग्रेस नेता आलमगीर आलम और आरजेडी के सत्यानंद भोक्ता ने ली मंत्री पद की शपथ। झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं को विधायकों के टूटने का डर। तीनों दलों के ज्यादातर विधायकों को हैदराबाद किया गया शिफ्ट। गौरतलब है कि झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को 5 फरवरी को बहुमत साबित करना है। पश्चिम बंगाल के बाद अब कल झारखंड पहुंचेगी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी वैद्यनाथ धाम में करेंगे पूजा। बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का प्रारंभ मणिपुर से किया था। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले साउथ के सुपरस्टार विजय थलापति ने राजनीति में रखा कदम। थलापति ने अपनी पार्टी के नाम का किया ऐलान। बता दें कि विजय थलापति ने अपनी पार्टी का नाम तमिलगा वैत्री कगजम रखा है। सुरक्षा बलों ने मणिपुर के संवेदनशील इलाकों में चलाया तलाशी अभियान। इस दौरान जब्त किए गए कई हथियार मणिपुर पुलिस ने एक्स पर पोस्ट कर दी है इस संबंध में जानकारी। असम में भी लागू हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा ने दिए संकेत। कहा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम असम में भी समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका। जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। कहा, आप हाईकोर्ट क्यों नहीं जाते। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट में तेजी से चला यशस्वी जायसवाल का बल्ला। यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के गेंदबाजों के छुड़ाए छक्के। खबर लिखे जाने तक यशस्वी जायसवाल ने 225 गेंदों पर 151 रन बना लिए थे। बता दें कि आज दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे की सर्वाइकल कैंसर से मौत। फैंस हुए शॉक। बता दें कि पूनम पांडे महज 32 साल की थी और पूनम अक्सर ही अपने लाइफस्टाइल और बयानों को लेकर चर्चा में रहती थी। 8 फरवरी को पाकिस्तान में होने वाले आम चुनाव से पहले पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी के 39 कार्यकर्ताओं को किया गया गिरफ्तार। कराची पुलिस ने पुलिसकर्मियों पर हमला करने का दिया है हवाला। तो दर्शकों, ये थी आज की 15 बड़ी और सुपरफास्ट खबरें। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए साउथ ब्लॉक डिजिटल। नमस्कार।